अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट। आज जो है सुबह सवेरे ही एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है कि एक पुलिस एहलकार जो कि हार्ट अटैक की वजह से उसने अपनी जान खो दी मायसमा के श्रीनगर में, जहां पर वो एज अ कॉन्स्टेबल पुलिस स्टेशन मायसमा में वो काम कर रहा था, और अचानक से जो है उसको हार्ट में पेन होने लगी और वो अनकॉन्शियस हो गया। उसे SMHS हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसे रास्ते में ही जो है मुर्दा करा दे दिया, यानी वो रास्ते में ही अपने अपनी जान से हाथ धो बैठा था, यानी उसने रास्ते में ही अपनी जान गंवा दी थी। तो जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो 33 साला अल्ताफ हुसैन के नाम से हुई है, सन ऑफ नजीर अहमद के नाम से हुई है, जो कि तहसील मोहार रियासी का रहने वाला था और मायसमा में एज कॉन्स्टेबल वो काम करता था। और अचानक से हार्ट में पेन होने की वजह से उसे जब अस्पताल लिया गया, लेकिन वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था उसने। तो लगातार हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के जो मामले हैं कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, और चाहे हम नौजवानों की बात करें, चाहे हम वो किसी भी इंसान की बात करें, हार्ट अटैक जो है आज आम हो चुके हैं, और क्यों आम हो चुके हैं उस पर जो है गौर फिक्र करना जरूरी है। और जैसे ही आपको लगे कि आप लोगों को हार्ट में थोड़ी सी पेन हो रही है या आपको दम घुट रहा है, तो उसको जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए। उस समय जो है उस टाइम पर हमें जल्दी हॉस्पिटल कंसल्ट करना चाहिए, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर में ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं ये ना हो। मैं फिर से बता दे चलूँ, श्रीनगर मायसूमा से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है कि एक कांस्टेबल जो कि मोहार रियासी का रहने वाला था, तहसील मोहार रियासी का रहने वाला था, अल्ताफ हुसैन सन ऑफ नजीर अहमद हुसैन के नाम से उसकी शिनाख्त हुई है, 33 साला है, और हार्ट अटैक की वजह से उसने अपनी जान जो है गंवा दी है। हॉस्पिटल ले जाते समय उसने जो है रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।